ये रेवेन्यू कॉर्पोरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड और प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे आनेबल सीएम साहब ने बड़ी मेहनत की अध्यक्ष, ये काम बहुत मुश्किल था। जैसा इससे पहले भी कहा गया कि गुजरात के अंदर बरसों से चल रहा है, खुद हमारे निजामबाद में भी भू भारती प्रोग्राम बरसों से चलता रहा और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सीएम साहब ने इसके लिए एक अच्छा सा प्लान बनाते हुए लैंड प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि बहुत से लोग बहुत परेशान थे अध्यक्ष, इसलिए परेशान थे कि जिस तरह हमारे कई एक MLAs बताए, मैं बताऊंगा कि वो बहुत ज़माने से बाप दादा पड़दादा के ज़माने से ज़मीन चलते आ रहे, उनके नाम पर म्यूटेशन नहीं हुआ, उसके लिए ये प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत से लोग जब यहाँ पर आ रहे थे तो बहुत से कंपनीज वाले भी फैक्ट्रीज के लैंड लेना चाह रहे थे, यही कह रहे थे कि तेलंगाना में मैक्सिमम लैंड लिटिगेशन है। और लिटिगेशन की वजह भी अध्यक्ष कि यहाँ पर निज़ाम का रूल था, यहाँ पर सालार जंग थे, पाएगा थे, उन लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन थी, वो ख़त्म करने के बाद कई लोग उनके विरसा जो है दूसरों को बेच दिए, खानदान फैल गया, और सीलिंग एक्ट के बाद भी सीलिंग में जमीन डिक्लेयर करने के बाद जो बची हुई लैंड थी वो लोगों को दूसरे लोगों के तरफ बेचने की वजह से बहुत से लिटिगेशन हुए। अध्यक्ष हमारे खास श्रीनिवास गौड़ साहब ने बहुत से अच्छे सवाल किए अध्यक्ष, और हमारे विद्यासागर साहब भी और कौसर मोहिउद्दीन साहब भी, हमारे रमेश गार साहब और वेंकट वीरा साहब, लक्ष्मण गार साहब और हमारे चिन्मय साहब, और असल में साहब अध्यक्ष ये जो हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब बताए मैं सबका एक के बाद एक बताते जाऊंगा, पहले हमारा रिजल्ट बताता हूँ अध्यक्ष किस तरह इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंड हुआ। बाज डिस्ट्रिक्टों में अध्यक्ष 100% हुआ है, जगतियाल के अंदर 100% काम कंप्लीट हुआ, कई जगह लिटिगेशन थोड़ा बहुत रहा 5% 6%, और खासतौर से महबूब नगर में भी 90% क्लियर हो गया था, 97% तक, 2-3% कोर्ट केसेस है, ये मैं उसके डिटेल देना बताने के बाद इसका सबका एक एक का जवाब दूंगा। अध्यक्ष टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू मंडल्स अध्यक्ष 568 हमारे पास टोटल मंडल, और इसके अंदर विलेजेस अध्यक्ष 10,823 है। टोटल एक्सटेंड ऑफ लाइन वेरीफाइड ड्यूरिंग LRPUP 2,56,70,814। इसके अंदर टोटल एक्सटेंड ऑफ लैंड फाउंड क्लियर अध्यक्ष 2,39,81,994। इतना बड़ा 93% लैंड जो है क्लियर हो चुकी, और इसके अंदर एक्सटेंड ऑफ लैंड नॉट क्लियर 16,88,976 अध्यक्ष। टोटल सर्वे नंबर ऑफ लैंड वेरिफिकेशन 1,01,62,45,151। टोटल सर्वे नंबर लैंड फाउंडर क्लियर इस 1,01,49,52,436। टोटल सर्वे नंबर लैंड फाउंड नॉट क्लियर 12,92,715 अध्यक्ष। टोटल नंबर ऑफ खाता 77,68,056 खाते का क्लियर किया गया अध्यक्ष। टोटल नंबर ऑफ खाता फाउंड क्लियर 72,12,111। टोटल नंबर ऑफ खाता नॉट क्लियर अभी तक 6,55,000 खाते क्लियर करना अध्यक्ष, वो सेकंड फेज में किया जा रहा है, और ये काम भी काफी तेजी से चल रहा है, और खासतौर से इस पर बार बार हमारे आनेबल सीएम साहब मीटिंग लेते हुए इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए इसको करेक्शन करते जा रहे हैं अध्यक्ष। और पार्ट ए के अंदर अध्यक्ष जिस तरह कहे कि एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, वफ लैंड कितनी है, गवर्नमेंट लैंड कितनी है, बोधान लैंड कितनी है, ऐसे कई एक सवाल है अध्यक्ष। एग्रीकल्चर लैंड 1,43,15,667.5 ये लैंड क्लियर हो चुकी है अध्यक्ष। नॉन एग्रीकल्चर लैंड अभी हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब भी बहुत से लोग अब बिल्डिंगा बना दिए, कॉलोनियां बन गए, जमीन उसी तरह अध्यक्ष उसमें 13,11,99,489 ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड अध्यक्ष। गवर्नमेंट असेट्स 13,85,192.78 गवर्नमेंट लैंड विथ ओरिजिनल असाइन जो गवर्नमेंट असाइन करे, अभी कुछ सवाल भी आता है अध्यक्ष जो गरीब आदमी है जिसके नाम पे असाइन लैंड है, अगर वो गरीब को बेचा है SC ST बेच दे रहे हैं तो इमीडिएट पट्टे बना रहे हैं अध्यक्ष। अगर वो कोई बड़े आदमी है, दौलतमंद आदमी है, वो अगर जमीन खरीदता है तो उसे पट्टा नहीं दिया जा रहा, मगर गरीब फार्मर है जो उस पर जिंदगी बसर करता है तो उसे पट्टा दिया जा रहा है अध्यक्ष, वो बेचने वालों को भी पट्टा दिया जा रहा, ऐसी बात नहीं है। जो गरीब लोगों के लिए ये हुकूमत का काम ही है कि जहां तक हो सके गरीबों की मदद करने के लिए अध्यक्ष।
government land with original 20 lakhs adhyaksha, ye assigned land adhyaksha 20,13,868, ये उन लोगों के पास है अध्यक्ष जिसको काश करने के लिए दिया गया था अध्यक्ष, उन लोगों ने जो गरीब किसान है एससी एसटी है वो दूसरों को बेचे भी तो उनके नाम पे पट्टा कर दिया जा रहा अध्यक्ष। गवर्नमेंट विकेट लैंड 7,12,264 गवर्नमेंट विकेट लैंड अध्यक्ष। फॉरेस्ट लैंड 42,35,682 अध्यक्ष। एंडोमेंट लैंड 74,155, तो एंडोमेंट लैंड के ऊपर बहुत से लोग ये सवाल भी आया था कि वक्फ लैंड भी अध्यक्ष 45,570 वक्फ लैंड और एंडोमेंट लैंड पर अगर कोई भी कब्जा कर अगर एग्रीकल्चर कर रहा अध्यक्ष तो उसके नाम पर नहीं किया जाएगा, वक्फ के नाम पर लिखा जाएगा। और जो वक्फ की जमीन है एंडोमेंट की जमीन है वो एंडोमेंट के नाम पर वक्फ के नाम पर लिखा जाएगा अध्यक्ष। और कुछ लैंड जो है बी फेज में जो कंप्लीट करना है वो सिविल कोर्ट केसेस अध्यक्ष 1,11,196 है। रेवेन्यू कोर्ट में 42,318 है अध्यक्ष। फॉरेस्ट रेवेन्यू बाउंड्री डिस्प्यूट 2,04,729 अध्यक्ष। पीओटी केसेस असाइन लैंड विद थर्ड पार्टी 2,41,749 अध्यक्ष। यही असाइन लैंड अध्यक्ष इसका भी पूरी तरीके से उन लोगों को दे दिया जाएगा जो गरीब फार्मर्स है एससी एसटी फार्मर्स है। सादा बैनामा भी अध्यक्ष 2,45,974 लैंड सादा बैनामे में लैंड किया गया। सादा बैनामे की जमीन जमाने दराज से पेंडिंग थी अध्यक्ष। गरीब फार्मर्स जो विलेजेस के अंदर छोटे छोटे गांव में रहते हैं वो कभी रजिस्ट्रेशन आकर रजिस्ट्री नहीं करी आपस में लिख लिए थे, वो मरने के बाद उनके बाल बच्चे जब बड़े हुए वो जमीन पे हक बताने लगे। इसके लिए सीएम साहब ने सादा बैनामे का और बगैर एक छोटा पैसा खर्चा करे सादा बैनामा दिया जा रहा है अध्यक्ष। उससे काफी लोगों को काफी फायदा हुआ अध्यक्ष। लैंड ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया 95,214 है अध्यक्ष। ये डिस्प्यूट है ये भी बहुत जल्द इसके बारे में सेकंड फेज में क्लियर किया जाए अध्यक्ष। डिस्प्यूट फैमिली बाउंड्रीज ये भी 2,73,843 अध्यक्ष। एंडोमेंट लैंड बोधान लैंड की बात की गई अध्यक्ष। अदर वक्फ बोधान लैंड और एनओसी के जितने लैंड है अध्यक्ष 3,10,684 अध्यक्ष। इसमें बोधान लैंड के अलावा दूसरे लैंड लोग क्लेम कर रहे हैं एनओसी के, उन्हें देख समझ कर एनओसी दी जाएगी और गवर्नमेंट यही चाहती है। और दूसरी बात ये सिन्हा साहब ने कहा अध्यक्ष ये जो पावती पट्टा जो पासबुक था उसके अंदर बहुत से नाम मराठी थे अध्यक्ष, क्योंकि मराठी लोग इसके अंदर काफी बढ़ के काम किए थे। निजाम स्टेट में मराठवाड़ा भी हमारे पास था, मराठी एरिया भी था, तो इसलिए बहुत से लोग इसके अंदर मराठी है। मैं सीएम साहब इस वक्त जो पासबुक बना रहे अध्यक्ष वो पासबुक पासपोर्ट के बराबर 17 सिक्योरिटी फीचर के साथ बनाया जा रहा है अध्यक्ष। इससे पहले जो पासबुक थी मामूली तरीके की पासबुक थी, आप छत्ता बाजार में 100 रुपए दिए तो 10 पासबुक बना के दे सकता था, ये पासबुक 50,000 भी खर्चा करे तो नहीं बनेगी। बहुत इसको देख समझ कर बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया जा रहा है अध्यक्ष। और ये पासबुक में बहुत सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा से ज्यादा दिए गए थे, वो लफ्ज अब तेलुगु में डाले जाएंगे अध्यक्ष। जो जमीन पट्टे के अंदर पहले मराठी के अंदर थे अध्यक्ष, ये हिंदू एंडोमेंट और पूर्व फसल असाइन लैंड तो बता दिया अध्यक्ष, उन्हीं को देंगे अध्यक्ष। और पट्टा लैंड जो 5 एकड़ और 3 एकड़ जैसा किसी के पास 5 एकड़ का पट्टा है अध्यक्ष, अगर वो स्पॉट पे जगह जाए तो 3-4 एकड़ लोग जमीन खरीदने के बाद काफी अपने शहर हैदराबाद में रहते हैं कोई इंक्रोचमेंट कर चुके, उसके लिए एक बार अगर गवर्नमेंट के पास फीस भरेंगे वो बाजाबता तरीके से पैमाइश करते हुए वो जमीन अगर उनकी निकल सकती है तो जरूर निकाल के देंगे अध्यक्ष। इसमें हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी जमीन रहती है उसका काम है अपने बाउंड्रीज को फिक्स करते हुए उसकी फेंसिंग करे, नहीं भी कर सकते तो उसके बाउंड्रीज वो लोग तय करेंगे अध्यक्ष। असाइन लैंड हमारे विद्या सागर साहब जो कहे असाइन लैंड की बात करें अध्यक्ष, वो जरूर गरीब लोग लेंगे तो 100% उनके नाम पे दिया जाएगा। कौशल मोहद्दीन साहब वक्फ लैंड की बात करें पट्टा जो रहेगा वक्फ बोर्ड के नाम पे रहेगा। 45,000 एकड़ जमीन पहली मरतबा इंडिपेंडेंस के बाद अध्यक्ष कभी भी इस लैंड सर्वे में कोई तवज्जो नहीं दी और वक्फ बोर्ड पर एंडोमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। सीएम साहब ने जब पहली बार वक्फ के पूरे इंस्पेक्टर को बुलाया था, सीओ वक्फ को बुलाकर ये कहा कि आप कुछ मुझे ऐसा बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक 200 एकड़ 500 एकड़ 100 एकड़ किसी ने भी कुछ नहीं बता सका अध्यक्ष। जब ही सीएम साहब ने वक्फ बोर्ड में जो वक्फ का रिकॉर्ड था उसका सील डाला गया और कर्नाटक से बाजाब था
इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वक्फ की लैंड एंडोमेंट की लैंड की बाजाबता हिफाजत करें और इंटी में ले और 45,000 एकड़ वक्फ बोर्ड की पहली मरतबा रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है और जरूर वक्फ की जमीन अगर कोई ज़राअत भी कर रहे हैं तो जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर रहेगी और काश करने वाले से जो पैसे लेके वक्फ की आमदनी में इजाफा किया जाएगा।